चिकन तंदूरी, चपली कबाब, पिज़्ज़ा, आलू की भुजिया। इस मॉडल के अंदर 9 खानों की रेसिपी सेव कर दी गई हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा सैंडविच। ओवन की लीटर कैपेसिटी की बात करें तो 26 लीटर है। वार्निंग, डेंजर, क्लीनिंग। इस ओवन की मुकम्मल वारंटी 1 साल है। इस बटन को 1 टाइम प्रेस करने से 30 सेकंड टाइम ऐड हो जाता है। डिजिटल बटन प्रोवाइड किए गए हैं। वेट डिफ्रॉस्ट का बटन मिल जाता है। स्टार्ट 30 सेकंड एंड कन्फर्म चलने के दौरान टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आर माई चैनल। आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लाया हूँ वो है डॉलन्स का माइक्रोवेव ओवन, जिसका मॉडल है DW128G। सबसे पहले इस मॉडल की फ्रंट लुक की बात करें तो बड़ी ही खूबसूरत मिरर ग्लास में प्रोवाइड की गई है, जिसके ऊपर लिखा मिल जाता है 9 बिल्टन देसी रेसिपीज बाय शेफ महबूब, जिसका मतलब ये है कि इस मॉडल के अंदर ग्रिल अवेलेबल है। इस मॉडल के अंदर 9 खानों की रेसिपीज सेव कर दी गई हैं, और वो कैसे सेव की गई हैं और कैसे बनानी है ये भी मैं आपको आगे चल के मजीद तफसील में बताऊंगा। व्यूअर्स, अगर हम मजीद इसकी राइट साइड में देखें तो हमें इसका ऑपरेटिंग पैनल देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर हमें डिजिटल बटन प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी तादाद 7 है। सबसे पहले हमें माइक्रोवेव का बटन मिल जाता है, उसके साथ हमें ग्रिल कॉम्बी का बटन मिल जाता है, नीचे वेट डिफ्रॉस्ट का बटन मिल जाता है, उसके साथ टाइम डिफ्रॉस्ट का बटन मिल जाता है, उसके बाद नीचे क्लॉक किचन टाइमर का बटन मिल जाता है, नेक्स्ट टॉप क्लियर का बटन मिल जाता है, और सबसे एंड पे स्टार्ट 30 सेकंड एंड कंफर्म का बटन मिल जाता है। के साथ ही नीचे हमें एक अदद नॉब मिल जाती है, जिसके ऊपर टाइम वेट ऑटो मेन्यू लिखा हुआ है। इस स्क्रोलिंग नॉब के जरिए हम ओवन चलने के दौरान टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर, फ्रंट पैनल की चौड़ाई की बात करें तो वो 20 इंच है। इसकी राइट साइड की अगर हम बात करें तो बड़ा ही खूबसूरत मैट फिनिशिंग ब्लैक में है, जिसके ऊपर कंपनी का टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया गया है, जो कि किसी भी खराबी की जरूरत में इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करवाई जा सकती है। इस ओवन की मुकम्मल वारंटी 1 साल है, जो कि वारंटी कार्ड के कायदे जवाबित के मुताबिक प्रोवाइड की जाएगी। इस ओवन की टॉप बड़ी खूबसूरत मैट ब्लैक फिनिशिंग में प्रोवाइड की गई है। इस ओवन की गहराई 14 इंच है। इस ओवन की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें मजीद 4 लाइनों में एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, जो कि इस ओवन को चलने के दौरान हवादार रखते हैं और इस ओवन की मशीनरी को हीट अप होने से महफूज रखते हैं। इस ओवन की आउटडोर हाइट की बात करें तो वो 11 इंच प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम इस ओवन को ओपन कर लेते हैं और मजीद इसके इंटीरियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस ओवन के इंटीरियर की बात करें तो व्हाइट कलर में प्रोवाइड किया गया है। इस ओवन की इनर चौड़ाई 13 इंच प्रोवाइड की गई है। इनर हाइट की बात करें तो 8 इंच प्रोवाइड की गई है। मजीद अगर हम इस ओवन के इनर गहराई की बात करें तो वो हमें 14.5 इंच प्रोवाइड की गई है। ओपन करते ही उन रेसिपीज के नाम लिखे मिल जाते हैं जो रेसिपीज इसमें फीड की गई हैं, जिनमें सबसे पहले चिकन तंदूरी, चपली कबाब, पिज़्ज़ा, आलू की भुजिया। इन सब को बनाने का तरीकाकार रेसिपी बुक में मिल जाएगा, जो साथ में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट व्यूवर, अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो बड़ा ही खूबसूरत वाइट शाइन में मिल जाता है। राइट साइड पे हमें एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसके टॉप की बात करें तो हमें ग्रिलिंग रॉड मिल जाते हैं, जिसको ग्रिल भी कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर ग्रिल रॉड होते हैं, जो खाने को बेक और ग्रिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मजीद अगर हम इसकी राइट साइड की बात करें तो हमें एक अदद मैग्नीटोन गन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बॉटम की बात करें तो हमें एक अदद तिकोन ब्लॉक्स मिल जाता है, जो ग्लास प्लेट को राउंड घूमने में मदद देता है। नेक्स्ट व्यूवर, हम इस ओवन को ऑन करके इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑन करते ही इस ओवन में गोल्डन लाइट देखने को मिल जाती है, जो इस ओवन के इंटीरियर को मजीद खूबसूरत बनाती है। व्यूवर, इस ओवन के राइट साइड पे ऑपरेटिंग पैनल प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नीचे हमें स्टार्ट 30 सेकंड का बटन मिल जाता है। इस बटन को 1 टाइम प्रेस करने से 30 सेकंड टाइम ऐड हो जाता है। इसके नीचे हमें एक अदद स्क्रोलिंग नॉब मिल जाती है, जिसकी मदद से हम टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक अदद स्टॉप एंड क्लियर का बटन मिल जाता है, इसकी मदद से हम ओवन को स्टॉप और किसी भी टाइमिंग को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें टॉप राइट पे ग्रिल कॉम्बी का बटन मिल जाता है, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं या ग्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप लेफ्ट की बात करें तो हमें एक अदद माइक्रोवेव का बटन मिल जाता है। इस ओवन के अंदर जो रेसिपी सेव हैं, इस बटन की मदद से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका इजीली हम बना सकते हैं। इन रेसिपीज को सिलेक्ट करने का तरीकाकार बहुत ही इजी है। सबसे पहले माइक्रोवेव का बटन प्रेस करना है तो रेसिपीज फंक्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल के बटन को घुमाना है और रेसिपीज को सिलेक्ट करना है। रेसिपीज को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट 30 सेकंड का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट इसकी ग्लास प्लेट की बात करें तो वो हमें 12 इंच प्रोवाइड की गई है।
मज़ीद इसके साथ हमें एक अदद रिंग प्रोवाइड किया गया है जो ग्लास प्लेट को बैलेंस करने और घूमने में मदद देता है। इसके अलावा एक अदद ग्रिल स्टैंड भी प्रोवाइड किया गया है जो रेसिपीज को बेक और ग्रिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक अदद रेसिपी बुक मिल जाती है जो खास इस मॉडल के लिए बनाई गई है। इसके ऊपर मॉडल नंबर भी मेंशन है। जो रेसिपीज इस ओवन में सेव की गई हैं, उन सबको बनाने का तरीकाकार अलग अलग इस बुक में दिया गया है। इस बुक को ओपन करते ही फर्स्ट पेज पे हमें तमाम रेसिपीज की फहरिस्त मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले चिकन टिक्का पिज्जा सैंडविच और मजीद उसके नीचे बताया गया है कि ये पेज नंबर 3 पे है और इसका रेसिपी नंबर 03 है। इसके अलावा नेक्स्ट आलू की भुजिया, नेक्स्ट चपली कबाब, फिश हांडी, बैंगन का भरता, शावरी कहवा, चिकन टिक्का पास्ता, मसाला पॉपकॉर्न और सबसे आखिर पे चिकन तंदूरी। नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहली रेसिपी चिकन टिक्का पिज्जा सैंडविच। सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है। कस्टमर की आसानी के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों तरीकाकार में इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं। उसके नीचे तरकीब उर्दू और इंग्लिश दोनों तरीकाकार में लिखी गई है और नेक्स्ट पेज पे इसकी टाइमिंग का तरीकाकार बताया गया है। इसी तरह ही हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आलू की भुजिया रेसिपी है और साथ ही उसके उर्दू और इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। उसके नीचे इसकी तरकीब उर्दू और इंग्लिश में बताई गई है और नेक्स्ट पेज पे उसकी टाइमिंग उर्दू और इंग्लिश में, ये तमाम तर तरीकाकार बताए गए हैं। इसी तरह ही हर पेज के ऊपर एक रेसिपी है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, उसका टाइमिंग बताया गया है, उसका तरीकाकार, उसकी तरकीब सारी समझाई गई है और रेसिपी का नंबर भी बताया गया है, जिसकी मदद से ओवन के अंदर फीड रेसिपी को हम ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूवर्स आपको इन रेसिपीज़ के हवाले से मैं एक ख़ास बात बताता चलूँ। 9 बिल्टन रेसिपीज़ इस ओवन का स्लोगन है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 9 रेसिपीज़ इस ओवन में बन सकती हैं। ये रेसिपीज़ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं, आपको सिखाने के लिए हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत से खाने इसमें बना सकते हैं। इस रेसिपी बुक में दी गई तमाम रेसिपीज़ पर जब आपको अबूर हासिल हो जाए तो आप कोई भी रेसिपीज़ इसमें बना सकते हैं। बस इसकी टाइमिंग को कम या ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इस रेसिपी बुक के लास्ट पे कंपनी का एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा हमें एक अदद वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, जिसके ऊपर वारंटी की तमाम तर हिदायत मेंशन है। नेक्स्ट इसके साथ हमें एक अदद मैनुअल यूज़र भी मिल जाता है। इस मैनुअल यूज़र को अगर हम ओपन कर लें तो इसके फर्स्ट पेज के ऊपर इस मॉडल की तमाम तर स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, जिस पे सबसे पहले मॉडल नंबर, रेटेड वोल्टेज, माइक्रोवेव पावर, इनपुट पावर आउटपुट, इसकी लीटर कैपेसिटी, इसके विद बॉक्स और विदाउट बॉक्स टोटल डायमेंशन और इसका नेट वेट, ये तमाम तर चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। इस ओवन की लीटर कैपेसिटी की बात करें तो 26 लीटर है। नेक्स्ट पेज पे इस ओवन को यूज़ करने का तमाम तर तरीकाकार, वार्निंग, डेंजर, क्लीनिंग, तमाम तर हिदायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे इस ओवन के तमाम तर पार्ट्स के नाम, उनको एडजस्ट करने का तरीकाकार और कौन सा पार्ट्स किस काम के लिए यूज़ होता है, ये सब मालूमात दी गई हैं। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मजीद इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लाइंसिस के हवाले से मजीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लाइंसिस के हवाले से किसी खास प्रोडक्ट का रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो रिव्यू आपके लिए ज़रूर लाऊँ। इस ओवन के बारे में आपके माइंड में अगर कोई मजीद सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।